कैसा चल रहा है? सब ठीक है सर, बताइए। अच्छा, ये जो है आपका ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स का सिस्टम है, कैसा रखा है आपने? यू आर इन लिटिगेशन ना? हाँ हाँ नो, आई एम प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअली, सिंगल, देयर इज नो ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स। ओके 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 ओके। तो मैं ये सोच रहा था कि हाउ वी कैन रियली टेक एडवोकेट्स ऑन बोर्ड फॉर क्राइम फ्री भारत जर्नी, जिसमें उनको रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिले। अच्छा, मतलब इस तरीके से, बिकॉज एक्चुअली क्या हो रहा है कि आज जो व्यक्ति है जी, वो अपने लिए लड़ना पड़ रहा है उसको। जैसे मान लो मेरे खिलाफ कुछ गलत हुआ तो मुझे ही FIR करने की जरूरत पड़ रही है, राइट? और पुलिस या कोई जो है वो FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, राइट? वो किसी न किसी के इशारे पे ही FIR होती है, और यदि सामने वाले के पास पैसा है तो वो आपके खिलाफ फर्जी फैब्रिकेटेड FIR 2 मिनट में उसकी हो जाएगी आपके खिलाफ, राइट? और वो यदि एग्रेसिव है तब भी आपके विरुद्ध जो है ज्यादा कार्रवाई वो अपने फाइनेंशियल पावर का यूज करके करा सकता है, राइट? अब वी आर हैविंग की हाउ वी कैन इन्वोक द लीगल प्रोविजंस टू कलेक्टिवली टेक द केस, राइट? तो इसमें सोच ये है कि कानून ने बनाने वालों ने बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं, चाहे वो 39 CRPC का हो या 80 CPC का हो, राइट? जी जी, दीज आर द प्रोविजन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द अदर पीपल, बाय द सिटीजन, बाय द अदर इंडिविजुअल्स टू टेक एन इनिशिएट लीगल प्रोसेस, राइट? जी जी, जैसे अज्यूम करिए कि हमने जो है ना रिपोर्ट की पुलिस को, और उसके साथ में एक रिपोर्ट जो है ना मैं कम पुट टू द क्राइम फ्री भारत, राइट? जी जी, राइट? अच्छा, उसमें जो है ना सिस्टम विल हैव दैट ऑडियो वीडियो एवरीथिंग, राइट? AI भी जो है वी कैन यूज टू अप्लाई द सेक्शंस एंड थिंग्स लाइक दैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, राइट? एंड उसके साथ में एक वो एडवोकेट वॉलंटियर के पास पहुंचे, राइट? एंड एडवोकेट वॉलंटियर शुड बिकम वन ऑफ द विटनेस ऑफ द लीगल एग्जामिनेशन ऑफ दैट कॉन्टेंट, राइट? तो उसमें एक अपना स्टेटमेंट क्रिएट किया कि ये कंटेंट हमारे पास जो है ना इस संस्था के माध्यम से आया है, और मैंने इसको बारीकी से सुना देखा किया है, और इसमें ये सेक्शन बनते हैं और ये होता है, एंड आई आल्सो अपील एज ए एडवोकेट एज वेल एज ए सिटीजन अंडर सेक्शन 39 के इसमें कार्रवाई होना चाहिए, राइट? अब अज्यूम करिए कि वो ऐसी भाषा बोलता है जिसको ना तो मशीन समझ पा रही है। एक टेक्निकल डिफिकल्टी है। हाँ, टेक्निकल डिफिकल्टी क्या है? जो क्रिमिनल मैटर होता है दैट इज परस्यूड बाय द ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम। नहीं नहीं नहीं, देखिए सेक्शन 39 क्या कह रहा है कि एज ए सिटीजन यदि आपके संज्ञान में कहीं से भी कोई अपराध आता है और वो इन धाराओं का है जिसमें कि अधिकांश धाराएं कवर हो जाती हैं, तो ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है कि आप उसे पुलिस को रिपोर्ट करें, राइट? और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जस्ट मिनट, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, और जिसमें कि जुरिस्प्रूडेंस को उल्टा कर दिया गया है कि यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंस। मतलब हम आपको हमें सिर्फ आरोप लगाना है कि एडवोकेट श्रेयसी जी ने कि एक संज्ञान में ये अपराध आया, और एडवोकेट की भी जरूरत नहीं है, जो सिटीजन श्रेयसी जी के संज्ञान में ये अपराध आया और उन्होंने ये अपराध पुलिस को नहीं बताया है, लिहाजा सी हैज कमिटेड ए क्राइम अंडर सेक्शन 39 CRPC। जी, तो आपको अधिकार तो है, और क्योंकि वो अधिकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अधिकार है, क्योंकि यदि आप उसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को यदि आप पूरा नहीं करते हैं तो यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड, जिसमें इवन यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ कि यू आर इनोसेंट। जी जी, तो हम उस क्लॉज का यूज करके जो है जो भी मैटर आता है वही वी शुड द सिस्टम विल से कि साहब ये अपराध हमारे संज्ञान में लाया है और मैं 39 के तहत इसको आपको देता हूं, और आप 154(1) के तहत ये आपकी लीगल जिम्मेवारी है कि आप संज्ञान लें, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी लीगल जिम्मेवारी का जो है ना पालन करें,
मतलब उससे भी अपन वो लूज में कि श्रीमान जी मैं आपका निवेदन करता हूं कि आप संज्ञान लें, नहीं, इट इज योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक लॉ इन हैंड, राइट, टू रिकॉर्ड FIR एंड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द क्राइम, राइट। यदि वो ऐसा नहीं करता है देन वी कैन द सिस्टम कैन गो टू द SP अंडर 154(3) कि भाई ये आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि आपका थानेदार नहीं सुनता है तो आपको सुनना होगा, और यदि आप नहीं सुनते हैं तो और इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, ओरिजिनल पावर दिए गए हैं कि आप खुद भी कर सकते हो अपने वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, आप अपने सबॉर्डिनेट को भी दे सकते हो, और जिस सबॉर्डिनेट को आप इन्वेस्टिगेशन देंगे उसको थाना प्रभारी के सभी अधिकार भी प्राप्त हो जाएंगे, तो उसको जाके किसी थाना प्रभारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ही कैन हैंडल एंड इन्वेस्टिगेट दैट केस अंडर हिज ओन सिग्नेचर एंड इवन ही कैन पुट अप द चालान अंडर हिज ओन सिग्नेचर, उसे SHO के सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, बिकॉज अंडर 154(3) सच पर्सन हु हैज बीन इंटरेस्टेड विद द इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी ही सेल हैव ऑल द पावर ऑफ द स्टेशन हाउस ऑफिसर, राइट। अब अजूम करिए SP भी नहीं करता है क्योंकि सभी जो है ना एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो गए हैं, सभी नेताओं की चाट रहे हैं, न्याय की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। देन वी कैन गो टू द 156(3) के साहब हमने 154(1) में थानेदार को दिया, 154(3) में जो है SP के पास गए, अब 156(3) में द मजिस्ट्रेट हैविंग द ज्यूरिडिक्शन अंडर सेक्शन 190 ऑफ द CRPC नाउ इट इज योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैसिलिटेट कॉग्निजेंस ऑफ FIR, सो प्लीज डिस्चार्ज योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हमारी पिटीशन की भाषा भी बदलना चाहिए, मतलब उसको जो है ना न्यायाधीश को टॉप पे बिठाने की जरूरत नहीं है, यू विल से लॉ गिव्स दिस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू, प्लीज कंप्लाई विथ इट, राइट। अच्छा, अब यदि कोई मजिस्ट्रेट जो है ना 156(3) में यदि कॉग्निजेंस लेने के लिए आदेश करता है देन ही गेट वन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जिसमें कि लॉ ने अदरवाइज किसी भी मजिस्ट्रेट को बार किया हुआ है, नो मजिस्ट्रेट कैन इंटरफियर इन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बट एन ऑफेंस विच हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर 156(3) डायरेक्शन ही गेट्स द पावर टू सुपरवाइज एंड सी टू इट दैट दैट केस इज टेकन टू द लॉजिकल एंड प्रॉपरली, राइट, डू यू एग्री विद दैट? हाँ जी सर, ठीक है। अब यदि अज्यूम करिए कि वो भी नहीं मानता है तो हर केस में ना करके तो सिलेक्टेड केसेस में जिसमें कि लगता है कि बहुत ही अन्याय हो रहा है उस केस में वी कैन गो टू द हाई कोर्ट आल्सो अंडर 482, राइट। हाँ जी सर, अब यदि मान लो हाई कोर्ट भी नहीं सुनता है देन इतने सारी रूलिंग आ गई हैं तो हम PIL या कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट आल्सो इन लिटिल रेयर केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, वेयर वी फील कि साहब जो है ना इसे पल्पेबली ग्रॉसली सभी एविडेंस हैं कि एक संज्ञेय अपराध हुआ है लेकिन उस अपराध का पालन नहीं, उसका जो है ना संज्ञान नहीं लिया गया है, देन वी कैन से इट इज ए कॉन्टेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड द पर्सन कंसर्न दे शुड बी टेकन टू द टास्क अंडर द कॉन्टेम्प्ट अंडर द PIL एंड वेन दैट सुप्रीम कोर्ट इज डिलीवरेटिंग ऑन इट इट कैन एक्सरसाइज इट्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 टू डिजाइन वेज एंड मीन्स टू इम्पार्ट जस्टिस, तो वो कुछ ऐसे डायरेक्शन भी दे सकता है जो कि आज कानून का हिस्सा नहीं है, सो दैट किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को फरियादी की प्रार्थना के बावजूद भी संज्ञान लेने की किसी की हिम्मत ना हो, ठीक है ना, डू एग्री, आर वी ऑन द सेम वेवलेंथ? हाँ जी सर, हाँ जी सर, मतलब इसमें कोई डिसएग्रीमेंट तो नहीं है ना इस पॉइंट तक? नहीं सर, कोई नहीं है। अच्छा, नाउ यदि अपन अब सेकंड बात करें कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है पुलिस का जिसमें कि इतनी हायरार्की है और उन हायरार्की का भी काम है कि वो देखें कि जो लीगल प्रोविजन है उनका कंप्लायंस हो और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उनको हैंडल करें, राइट, सो द सिस्टम इन पैरेलल विल अप्रोच द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की टू फिक्स हिम एडमिनिस्ट्रेटिवली, राइट। अच्छा, अब इसमें एक जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव को हैंडल कर रहे हैं तो हम उसमें उसके प्रीवियस कंडक्ट के जो हमारे पास प्रूफ हैं